गुरु और कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ओम तेमर ध्यान शाख्या चक्षुरोन्मीलु नम श्री चैतन्य मनोभी स्थापित ये नूतले स्वयं रूप कदा मह्यम वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैषवांश श्रीरूपम् साग्रजातं स गण रघुनाथान् वितं तं सजीवं Savadutam सावधूतं Sahitam

चन गौरंगी राधे वृंदावेश्वरी वृषभानुतिदेवी प्रणमा हरिप्रिय वाशाकोभ्य कृपा सिंधुभ्य पतीत पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासदी गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ग्रंथ राश्रीम्भा भागवत महाप्राण खी उपदेश अमृत महात्म की तो हम यहाँ पर रूप गोस्वामी के द्वारा रचित अमृत को श्रवण कर रहे हैं जिसका प्रथम श्लोक हमने पढ़ा कि जो छे वेगों पर कंट्रोल कर सकता है कौन कौन से वेग है वाचु वेगम मनस क्रोध वेगम जिहा वेगम उदर पस्त वेगम जो इन छे वेगों को कंट्रोल कर सकता है वही सर्व अपीम पृथ्वी शिष्या वो ही इस पृथ्वी पर शिष्य बनाने के योग्य है मतलब वो ही गुरु बन सकता है चाहे वो शिक्षा गुरु हो या दीक्षा गुरु हो तो ये इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है इसका मतलब है कि हम जो जो साधारण लोग हैं जैसे हमारे जैसे अगर शिक्षा दे रहे हैं तो वो गुरु नहीं है ना ही वो शिक्षा गुरु है ना ही वो दीक्षा गुरु है वो क्या है एक मन ऐसे बोलते हैं शिक्षा देने का एक कार्य कर रहे हैं मगर उनको गुरु नहीं हम कह सकते हैं जब तक के उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज ना हो वो एक साधु हो सकता है जो हमारे जीवन में आया है कुछ अच्छी शिक्षा दे रहा है लेकिन गुरु हम उसे तभी स्वीकार कर सकते हैं जब उसको इन छह वेगों पर कंट्रोल हो और ये ऐसा बताते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी कि इन ये जो छह वेग है उनको तीन वेगों में डिवाइड कर दिया छे को तीन में कौन कौन से एक वाणी का वेग एक मन का वेग और एक शरीर का वेग वाणी का वेग मतलब जो हम बोल रहे हैं ठीक है और शरीर का वेग मतलब मन के वेग में क्या होता है जितने भी हमारे विकार हैं जैसे क्रोध उसमें आ गया और मतलब क्रोध जो है और काम क्रोध लोभ मोह मत मात्सल ये सब मन के वेग आते हैं ठीक है और उसके बाद शरीर के वेग में ये जनन इंद्रिय का वेग या जो हम खाते हैं जो शरीर के वेग होते हैं मतलब जो हमारी डिजायर्स होती हैं शरीर की वो सब इन सब चीजों को जो रोक सकता है वही गुरु बन सकता है इसके अतिरिक्त जो अभी तक इन वेकों को ही नहीं कंट्रोल कर पाया तो उसे गुरु बनने का कोई अधिकार नहीं है तो इसको हम पढ़ेंगे श्लोक प्रभुपा जी बहुत ही डिटेल से बताएंगे श्लोक तो हमने याद कर लिया लेकिन जब तक हम इनको सही तरह से समझेंगे नहीं ये ये तो ग्यारह श्लोक हैं लेकिन यह हमारे जीवन की पूरी शैली है एक भक्त को किस तरह से जीना है, किस तरह से आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी है उसके विषय में बताया है तो श्रव रूपा जी श्रीमद भागवतम 6.1.1.10 में परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से अनेक बुद्धिमत्ता पूर्ण प्रश्न किए इनमें से एक प्रश्न ये था कि यदि लोग अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते हैं तो प्रायश्चित क्यों करते हैं इंद्रियों को वश में किया नहीं प्रायश्चित करते हैं प्रायश्चित क्या करते हैं? कभी गंगा में जाते स्नान करते हैं कभी कोई यज्ञ कर देते लेकिन फिर करने के बाद क्या होता है क्योंकि इंद्रिया वश में नहीं है अपराध की भावना बनी हुई है तो फिर वही करेंगे वापस में तो फिर फायदा क्या है प्रायश्चित करने का पहले तो अपनी इंद्रियों को वश में करना है फिर अगर आप प्रायश्चित करते हो, हो तो ये प्रायश्चित का मतलब होता है मुझसे हो गया अपराध, अब नहीं करूंगा लेकिन अगर यही करना है वापस तो प्रायश्चित का क्या लाभ तो ये क्वेश्चन किया था छठे सिकंद में जब परीक्षित महाराज ने पूछा था ना सुखदेव गोस्वामी से कि अगर हम नरक में जाने से बचना चाहते तो हमें क्या करना चाहिए तो परीक्षित महाराज हे परीक्षित बोला हमको नरक में जाने से रुकना मतलब बचना है तो हमको प्रायश्चित करना चाहिए अपने अपराधों का तो बोला ठीक है प्रायश्चित तो कर लेंगे लेकिन प्रायश्चित करके भी यदि वही कार्य करेंगे तो फिर ऐसे प्रायश्चित का क्या लाभ उदाहरणार्थ अभिलाषप्रभुपाजी उदाहरण देते हैं एक चोर भलीभांति जानता है कि वह चोरी करने इस पर पकड़ा जा सकता है यही नहीं वह किसी अन्य चोर को पुलिस द्वारा वास्तव में बंदी बनाया हुआ देखता भी है फिर भी वह चोरी करता रहता है सुनकर तथा देखकर अनुभव प्राप्त किया जा सकता है जो कम बुद्धिमान होता है वह देखकर अनुभव प्राप्त करता है और जो अधिक बुद्धिमान है वह सुनकर अनुभव प्राप्त करता है जब बुद्धिमान व्यक्ति कानून की किताब तथा शास्त्रों से सुनता है कि चोरी करना अच्छा नहीं है तो और, जो और पकड़े जा, जाने पर दंडित होते हैं तो वह चोरी से दूर रहता है कम बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता है पहले पकड़ा जाए और फिर दंडित हो ले तब जाकर वह यह सीख पाए कि चोरी नहीं करनी चाहिए किंतु धूर्त अभी ये दो विश्वाप्रुपाजी ने दो चीज दो लोगों के उदाहरण दिए काम बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है ना जब तक उसके साथ होता नहीं है ना तब तक समझता नहीं है। और ज्यादा जो बुद्धिमान होता है है वो सुनकर कि भाई चोरी करना बुरी बात है, पकड़े जाते हैं उसी से समझ जाता है ये तो जो है ना दो दो व्यक्ति है लेकिन उसके आगे शिला जी बोलते हैं लेकिन जो मूर्ख होते हैं जो धूर्त होते हैं वो व्यक्ति सुनकर तथा तो देखकर अनुभव प्राप्त करने पर भी तथा दंडित होने पर भी चोरी करता है हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे आ, ऐसे लोग होते हैं जिनको चोरी की करने, करने के बाद सजा मिलती है। चोरी करना मतलब कोई भी अपराध करने के बाद देखते हैं सजा भी मिलती है लेकिन फिर भी वो वही कार्य करते हैं सुनते हैं देखते हैं अनुभव भी करते हैं फिर भी ऐसा व्यक्ति यदि प्रायश्चित भी करता है तो और सरकार द्वारा दंडित भी होता है तो वह भी कारागृह से निकल कर वही फिर से चोरी करेगा वही कार्य करेगा क्योंकि उसको है, मूर्ख है तो फिर उसका दंडित किया जाना या प्रायश्चित करना या अनुभव करना उसका क्या लाभ यदि काराग्रह के दंड को प्रायश्चित मान लिया जाए तो ऐसे प्रायश्चित से लाभ क्या अतः परीक्षित महाराज ने पूछा है ये सुखदेव गोस्वामी से कि उन्होंने प्रायश्चित की तुलना हाथी के स्नान से की है मन्यो कुंजर शौचना। हाथी का स्नान हाथी कैसे करता है भले ही नदी में बली बांधी स्नान कर ले किंतु जैसा है जैसा ही किनारे पर वो पहुंचता है वह अपने पूरे शरीर पर धूल छिड़क लेता है तो हम स्नान से तो इस स्नान से क्या लाभ इसी प्रकार अनेक आध्यात्मिक अनुशीलन करने वाले हरे कृष्ण महामंत्र का जब कीर्तन करते हैं और साथ ही यह सोचकर अनेक निषेध भी करते हैं कि उनके जब से उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं अब ये श्री प्रभुपाल जी बहुत ही आ, 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 उत्तम बात बता रहे हैं कि एक तो नाम अपराध है क्या है भगवान नाम के बल पर अपराध करना और बहुत सारे शिला जी बोलते हैं ऐसे श, ऐसे व्यक्ति हैं जो जिन्होंने जो सुन लिया भाई एक का नाम आपके अपराधों को नष्ट कर सकता है जितने अपराध आप कर भी नहीं सकते तो वो अपराध करते हुए क्या सोचते हैं चलो ये अपराध कर लेंगे उसके बाद क्या बोल देंगे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम, राम हरे, हरे। तो अपराध नष्ट हो जाएगा फिर अपराध सारे खत्म हो गए फिर वापस से अपराध करेंगे फिर वापस से कीर्तन करेंगे फिर वापस से अपराध करेंगे तो शिला जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि इसी प्रकार अनेक आध्यात्मिक अनुशीलन करने वाले हरे कृष्ण महामंत्र का जब कीर्तन करने के साथ ही सोचकर अनेक निश्चित कार्य भी करते हैं कि उनके जब से उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे भगवान नाम का कीर्तन करते समय जो दस प्रकार के अपराध किए जा सकते हैं इसमें से एक अपराध है नामनो भलात यस्य ही पाप बुद्धि अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र के जप पर पाप जप के बल पर पाप करना इसी प्रकार कुछ ईसाई अब क्रिश्चियन के बारे में श्री प्रभुपाद जी कि अपने पापों को स्वीकार करने के लिए गिरजाघर जाते हैं वे सोचते हैं कि पादरी के समक्ष अपने पापों को स्वीकार करके और कुछ तपस्या करके वे अपने सप्ताह भर के के पाप के फलों से मुक्त हो जाएंगे जो ही शनिवार बीतता है और रवी रवी है और रविवार आता वे पुनः यह सोचकर पाप कर्म करना प्रारंभ कर देते हैं कि अगले शनिवार को उन्हें क्षमा कर क्षमा कर दिए जाएंगे परीक्षित महाराज जो अपने समय के सर्वाधिक बुद्धिमान राजा थे उन्होंने इस प्रकार की प्रायश्चित की, की है तो अभी देखो हमारे लोग कैसे सोचते जैसे हरे कृष्ण वो सोचते भाई हरे महामंत्र जब करेंगे तो अपराध खत्म हो जाएगा और क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं से वीक जाते हैं पादरी के सामने अपने अपराधों को बता देते हैं और वो सोचते हैं कि अपराधों को पादरी के सामने जाके बताते हैं तो हमारे अपराध खत्म हो जाएंगे और फिर नेक्स्ट डे से हम अपराध करना शुरू जब तक जीव के अंदर अपराध करने की प्रवृत्ति बनी रही है तो परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि फायदा क्या है इन सब का आपको जब वही अपराध वापस से करें करने ही है तो फिर प्रायश्चित का लाभ क्या है तो यहाँ श्री प्रभुपा बोलते हैं शुभदेव गोस्वामी जो समान रूप से बुद्धिमान थे और जो महाराज परीक्षित के योग्य गुरु थे उन्होंने राजा के प्रश्नों का उत्तर दिया और इसकी पुष्टि की कि, कि प्रायश्चित के विषय में उनका कथन सही है ये सही है कि प्रायश्चित करने से आपके अपराध खत्म नहीं होते हैं प्रायश्चित करने से अपराध खत्म हो जाएंगे तो भी मन के अंदर जो प्रायश्चित अपराध करने की वृत्ति है वो खत्म नहीं होती है तो ठीक है फायदा ही नहीं है क्योंकि मन तो अपराधों से भरा हुआ है तो अपराध दोबारा से करेगा तो शीला प्रभु पाप कर्म का निराकरण पुण्य कर्म से कभी नहीं किया जा सकता अब देखो कुछ लोग सोचते हैं मैं पाप करूं फिर पुण्य करूं फिर पाप करूं फिर पुण्य करूं तो पाप करके जब मैं पुण्य करूंगा तो मेरे पाप खत्म हो जाएंगे शीला प्रभुपा जी यहाँ पर बता रहे शुभदेव गोस्वामी ने कहा पाप कर्म का निराकरण पुण्य कर्म से नहीं हो सकता इसका क्या मतलब है कि अगर आप पाप कर रहे हो तो आपको उस पाप की सजा भुगतनी पड़ेगी और अगर आप पुण्य कर रहे हो तो उस पुण्य का भी आपको लाभ भुगतना पड़ेगा दोनों का अलग अलग है मतलब अगर आपने कोई पुण्य कर्म किया है जैसे बहुत सारा धन जो है वो दान किया है और बहुत सारा दन, दान करने से आपको बहुत सारा पुण्य मिला है तो उसकी बदली में आपको पुण्य भोगने के लिए स्वर्ग में जाना पड़ेगा या संसार में ही कोई धनी परिवार में आपका जन्म होगा लेकिन वो धन जो आपने दान में दिया है वो आपने कमाया किसी पाप के द्वारा जैसे यहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे लोग होते हैं जो पाप का धन कमाते हैं और फिर वो दान में भी देते हैं बहुत सारा दान भी करते हैं हम बोलते चलो ठीक है पापी लोग का भी दान तो लगेगा फिर क्या होता है? को वो दन जो है वो दान में तो लग गया लेकिन कमाया हुआ पाप के द्वारा तो पाप का भी तो उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा तो उस पाप वो उसने मनुष्य का जीवन प्राप्त किया लेकिन जिया किसकी तरह जानवर की तरह जिया मनुष्य का जीवन अपराधों से बचकर जीने के लिए है भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति करने के लिए लेकिन उसने इंद्र तृप्ति का जीवन स्वीकार किया जैसे जानवर करते तो फिर उसको कुत्तों का जन्म मिला मतलब कुत्ते जैसा जिया तो कुत्ते का जन्म लिया लेकिन क्योंकि दान बहुत किया तो कुत्ते का जन्म पर मिला किसी किसी अमेरिका अमेरिका के किसी के घर पे वो आ, उसकी अपना एक अलग रूम होता है अपना अलग मील होता है अपना अलग गाड़ी होता है वो जो रईस होता है वो उसको रईसों की तरह पालता है तो इस तरह से मतलब अगर हम अपराध करेंगे तो उसका दंड और अगर पुण्य करेंगे तो उसका पुरस्कार हमको भुगतना पड़ेगा तो शीलाप्रभु पांच जी वापस से बता एक बार सुनिए कि पाप कर्म का निराकरण पुण्य कर्म से कभी नहीं किया जा सकता अतेव असली प्रायश्चित तो हमारी सुप्त कृष्ण भावनामृत को जागृत करना है तो यहाँ श्री प्रभु जी बता रहे हैं कि प्रायश्चित का मतलब होता है हृदय के अंदर कृष्ण भावनामृत का जागृत करना जिसके द्वारा हमारे अंदर से अपराध करने की भावना खत्म हो जाए तो असली पाश्चता तो वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति है और इसकी एक प्रमाणिक विधि होती है जब कोई नियमित रूप से स्वच्छ रहने की प्रक्रिया का पालन करता है तो वह बीमार नहीं पड़ता मतलब हमारा जीवन शैली कैसा है एक दिन प्रायश्चित करके हमारा जीवन शैली तो वही रहेगा हमारा जो नियमित रूप से जो हम रहते हैं वो तो वैसे ही रहेगा तो प्रभुपा जी कहते जब कोई नियमित रूप से स्वच्छ रहने की प्रक्रिया करता है तो वो बीमार नहीं पड़ता मनुष्य जीवन कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुसार अपने मूल ज्ञान को पुनर्जागृत करने के निमित्त होता है क्यों है मनुष्य जीवन हमको कुछ ऐसे सिद्धांत को पालन करना है मनुष्य जीवन मिला क्यों? अब कल, ने कुछ दिन पहले ये प्रश्न किया था कि हम तो भक्तों के घर में पैदा हुए हैं हमको तो पता है कि हमको ये करना है ये नहीं करना है लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है वो तो सारे अपराध करते हैं सारे नियम को तोड़ते हैं अब उनको पता ही नहीं है तो फिर उनको कैसे मतलब हम कह सकते कि उनको अपराध लगेगा तो उनको मनुष्य जीवन मिला है तो भगवान ने बुद्धि भी तो दी है ये शास्त्र मनुष्यों के लिए है ना ये जो हमारे जितने गीता भागवत ये भगवान ने क्यों दिए हैं आज हमको भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया मनुष्य की बुद्धि दि, दी गुरु दिया शास्त्र दिए साधु दिया संत दिए उसके बावजूद भी यदि हम वही कुत्तों कार्य करेंगे तो फिर हमको भगवान यही सोचेंगे ना भाई इसको मनुष्य बनाने का लाभ ही क्या हुआ मनुष्य जीवन कितना महत्वपूर्ण है जो सुर दुर्लभ जो देवता है उनके लिए भी दुर्लभ है और वो उस मनुष्य जीवन में आकर कहते भाई हमको तो पता ही नहीं था तो इग्नोरेंस इज नॉट मीन्स दैट वी विल बी फ्री फ्रॉम द लॉ ये जो अज्ञानता है या हमको पता नहीं है ये कह देना इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमको जो ये नियम है उससे छुटकारा मिल जाएगा है ना अगर मैं किसी को मार डालती हूँ जैसे अगर मुझे पता नहीं है कि भाई मारने की सजा फांसी है और मैं किसी को मार देती हूँ तो क्या कानून मुझे छोड़ देगा भाई इस बिचारी को तो पता ही नहीं था अगर मैं मनुष्य बनी हूँ तो मुझे कानून ने जो भी गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो मुझे पता करने पड़ेंगे उसी तरह से हम मनुष्य बने हैं तो भगवान के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो हमें पता करने पड़ेंगे कि क्या भगवान ने करने के लिए आदेश दिया है और क्या मना किया है तो यहाँ श्री प्रभुपा जी बोलते हैं कि जब कोई नियमित रूप से स्वच्छ रहने की प्रक्रिया पालन करता है तो वह बीमार नहीं पड़ता मनुष्य जीवन कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुसार अपने मूल ज्ञान को पुनर्जागृत करने के, के निमित्त होता है ऐसे नियमित जीवन को तपस्या कहा जाता है कोई भी मनुष्य तप तथा ब्रह्मचर्य मनो निग्रह इंद्रिय निग्रह दान सत्य शुद्धि तथा योगासन का अभ्यास करके धीरे धीरे असली ज्ञान के स्तर पर या कृष्ण भावना के स्तर पर उठ ऊपर उठ सकता है तो क्या करना है शिल प्रभुपा जी बोलते हैं कोई भी मनुष्य पहले तपस्या करे ब्रह्मचर्य का पालन करे मनो निग्रह करे इंद्रिय निग्रह करे सत्य बोले और दान करे शुद्ध की योग योग आसन का जैसे यो, योगाभ्यास करते हैं, वो करे तो वो कृष्ण महानामित के स्तर पर ऊपर उठ सकता है। आगे श्री ब्रह्मपांची कहते हैं यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि उसे शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त हो सके, तो वह सरलता से योग क्रिया द्वारा मन को वश में करने के सभी अभ्यासों का अतिक्रमण केवल कृष्ण महानामित के विधि निषेध के, के अनुसार करके तथा प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में परमेश्वर की सेवा में संलग्न होकर कर सकता है तो वैसे तो वैसे बहुत सारे नियम क्या करना है, मन निक्रा है, निक्रा है, स्वच्छता है, मन इंद्रिय स्वच्छता तपस्या है ब्रह्मचर्य का पालन तो ये चीजें अगर हम खुद से करने का प्रयास करेंगे तो इसमें बहुत कठिनाई हो सकती है लेकिन यदि कोई शुद्ध भक्त कोई शुद्ध गुरु का सानिध्य मिल जाए और उनके आदेशों को यदि कोई जीव पालन करता है तो फिर क्या होता है बोलते हैं कि कि यदि कोई इतना भाग्यशाली है कि उसे शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त हो जाए कोई शुद्ध भक्त उसकी संगति प्राप्त हो जाए तो वह सरलता से योग क्रिया द्वारा मन को वश में करने के सभी अभ्यासों का अतिक्रमण करके बाकी जितने भी हैं उनका अतिक्रमण करेगा केवल अतिक्रमण उनको भावनामृत के, भा, के विधि निषेधों का अनुसरण करके तथा प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में परमेश्वर की सेवा भगवान की सेवा करेगा भगवान के पवित्र नाम का जप करेगा शुद्ध भक्त का संग करेगा तो उससे संलग्न रहकर वो आसानी से पहुंच सकता है इस स्टेज पर पहुंच सकता है कृष्ण भावना अमृत के विधि निषेध इस प्रकार है अब शिला रूपा जी बता रहे हैं कि अगर हमको हृदय को पवित्र करना है तो कृष्ण भावना के विधि निषेध को यदि पालन करते हैं तो हृदय से इच्छा समाप्त हो जाती है क्या कौन से नियम है शिला रूपा जी बताते हैं अवैध मैथुन से दूर रहना इलिसिट सेक्स नो इलिसिट सेक्स मांसाहार ना करना नो मीट ईटिंग नशा ना करना नशा नशा नहीं करना और जुआ नहीं खेलना नो no गैम्बलिंग तो श्री रूप गोस्वामी इसी सरल विधि की संस्तुति कर रहे हैं कि बस आप किसी शुद्ध वैष्णव के निर्देशन में विधि निषेध को फॉलो करो सर्वप्रथम मनुष्य को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए अब यहाँ पर ये तो पहले ये जो अभी तक पढ़ा है उसमें सिर्फ यही बताया कि बाकी जो क्रिया है उससे बेटर है क्योंकि उसमें तो प्रायश्चित करने के बाद तो हृदय तो पवित्र होगा ही नहीं तो इसका मतलब है कि आप ऊपर उठो किसी शुद्ध वैष्णव की शरण में जाओ और कृष्ण भावना में तो स्वीकार करो अब जो वेग है उनके विषय में बताया जा रहा है कि वो कैसे कंट्रोल होगे। सर्वप्रथम मनुष्य अपनी वाणी पर संयम मनुष्य को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए वाचो वेगम तो किस तरह से वाणी पर संयम रखते हैं शिला प्रभुपा जी बोलते हैं इसमें से प्रत्येक व्यक्ति में बोलने की शक्ति है और जैसे ही हमें अवसर मिलता है हम बोलने लगते हैं यदि हम कृष्ण भावनामृत की बात नहीं करते हैं तो केवल व्यर्थ की अनेक बातें करते हैं जिस तरह मेंढक खेत में टर्राता है उसी तरह कोई भी व्यक्ति जिसके पास जीव है वह बोलना चाहता है भले ही उसे जो कहना है मूर्खतापूर्ण क्यों न हो लेकिन मेंढक की टर्टर सर्प को आमंत्रित करती है यहाँ आओ और मुझे खाओ यद्यपि यह मृत्यु को आमंत्रण देना देने जैसा है फिर भी मेंढक टर्राता रहता है भक्ति भौतिकतावादी पुरुषों एवं मायावादी दार्शनिकों के बोलने की तुलना मेंढकों की टर्राहट से की जा सकती है ये सदैव व्यर्थ की बातें करते हैं और अपने को अपने को पकड़ाने के लिए मृत्यु को आमंत्रण करते हैं लेकिन अब यहाँ श्री प्रमुख जी पहले तो ये बता रहे हैं कि अगर हम कृष्ण के विषय में नहीं बोलते हैं तो जो कुछ भी बोलते हैं वो सब व्यर्थ है मतलब कुछ भी बोला जाता है यदि उसके अंदर कृष्ण सेंटर पॉइंट में नहीं होते इसी शिला जी हैं जब भी उनसे कोई यदि भौतिकतावादी कोई भौतिकतावादी जैसा भी सवाल करता था तो भी वो डायरेक्ट से जाते थे कृष्णा के विषय में वो बताते थे कुछ भी यदि किया जाए कोई भी बात यदि शिला प्रभुपा जी के सामने से जो भक्त हैं ना वो किस तरह से चेंज करते हैं टॉपिक को शिला प्रभुपा जी से सीखना चाहिए एक दफा श्रीला प्रूपा जी दीक्षा दे रहे थे दीक्षा का प्रोग्राम था तो एक व्यक्ति था पहले तो उन्होंने उनका नाम था आ, क्या नाम था गुरु आत्मा गुरु आत्मा देव कुछ नाम इस तरह सा था तो आ, स्वामी आत्मानंद हाँ स्वामी आत्मानंद उनका नाम था तो उनकी दीक्षा उन पहले उन्होंने देखा कि दीक्षा ले रहे हैं सब लोग

मतलब अंदर से प्रिपेयर्ड नहीं था तो लोकनाथ स्वामी जो है वो नाम लिख रहे थे कि किस-किस को दीक्षा लेनी है तो उनसे पूछा स्वामी आत्मनंद से स्वामी आपका नाम लिखूं तो बोला नहीं फिलहाल रहने दो अभी मैं प्रिपेयर नहीं हूं अभी रहने दो तो उन्होंने बोला ठीक है फिर सुबह को जब सुबह का प्रोग्राम हुआ तो वहां पर क्या हो रहा था मंगला आरती हो रही थी और शिला प्रुपा जी भी शिला प्रुपा जी भी मंगल आरती गा रहे थे तो बोला अच्छा श्री प्रभु जी सब लोग हम आरती कर रहे हैं शिला तो लिए गा रहे हैं गुरु श्री शरणारण तो आ, उनको आ, जो वहां पर जो भक्त बैठे थे तो बोले शिला जी अपने गुरु महाराज के लिए गा रहे हैं बस उनको ये बात इतनी अच्छी लगी कि वो भी अपने गुरु की सेवा कर रहे हैं इसलिए उन्होंने कहा हाँ ठीक है मुझे दीक्षा लेनी है बस एक इसी चीज से वो इंस्पायर हुए और उन्होंने दीक्षा लेने के लिए अपना नाम लिखवाया अब क्या हुआ सुबह दीक्षा का प्रोग्राम था एक दो दिन में तो दीक्षा के प्रोग्राम में उस समय बहुत अर्लीस्ट दिन थे अभी तक तो बहुत प्रेम मतलब सारी बातें हम गुरु जिसको स्वीकार करते उनके लिए हृदय में कितना प्रेम होता है तो सब जितने भी भक्त थे वो करीब करीब आके मिले और क्योंकि वो नया नया अभी अमेरिका में दीक्षा के प्रोग्राम्स होते थे तो सबको जो दूसरे लोग थे उनको भी देखने की बहुत इच्छा थी तो बहुत सारे जैसे एक भक्त के जितने भी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स थे वो भी सब आए थे तो पूरा पांडाल है ना फुल भरा हुआ था फुल भरा हुआ था और वो व्यक्ति इतने मतलब करीब करीब आकर एकदम श्रीलाम प्रभुपाल जी सबको नाम दे रहे थे उनको ऐसे माला दे रहे थे और उनका नाम जो भौतिक नाम है वो पूछते थे और फिर उनको दूसरा नाम देते थे कि भाई आपका नाम है गौरंगा दास तो सब बजाते बजाते थे बजाते थे मृदंग बोल बोल के बोलते थे गौरंगदास कीर्तन जो होता था तो सबको भगवान शिला प्रभु जी ने नाम दिया तो ये जो नाम अभी पहले क्या होता है दीक्षा दीक्षा से पहले सबका नाम कैसे होता है अः जैसे होता है ना अलग से रमेश दास रम, भक्त रमेश भक्त द, आ, महेश भक्त ये भक्त वो भक्त वो और उसके बाद जब दीक्षा के बाद नाम होता होता है है तब क्या होता है? दास उसके आगे दास लगता है तो इस तरह से सब आ रहे थे भक्त 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 रमेश भक्त, अमृत इस तरह से आ रहे थे तो अभी इसका नाम आया इसका नाम क्या था स्वामी आत्म आत्मनंद कुछ इस तरह नाम था उसका तो श्री प्रभुपाल जी देखे गोर से बोला स्वामी महाराज को बोले लोकनाथ गोस्वामी को, को ये कौन है स्वामी तो बोला के, ये अभी नए भक्त है शिला अच्छा नए भक्त है और स्वामी तो उन्होंने बोला कि जी इनका नाम स्वामी ये साउथ इंडियन है तो इनका नाम ऐसे ही स्वामी कर है, तो उन्होंने शिला जी ने बोला ठीक है वो आए और उनसे पूछा सबसे पूछ रहे थे शिला जी चार नियम क्या क्या हैं आपको सोलह सोलह माला जब करना है क्या क्या करना है इस तरह से वो बता रहे थे तो उन वो बहुत करीब आके करीब आए एकदम क्योंकि बहुत रश ना तो उन इतना करीब थे शिला प्रभुपा जी का नाक उनके मुंह से एकदम करीब था तो जैसे ही उनसे पूछा कि चार नियम कौन से हैं तो वो बताने लगे कि नो गैमिलिंग नो, मीट नो सेक्स तो इस तरह से जब बता रहे थे तो वो उनका उनके माउथ में से बहुत अजीब सी बदबू आ रही थी तो शिला प्रभुपा जी ने उनको बोला तुम ब्रश क्यों नहीं करते तो उसने जैसे ही सुना तो उसने कहा आ, स्वामी जी इन्फेक्शन इन्फेक्शन मेरे दांत में इन्फेक्शन है तो शिला प्रभुपा जी ने बोला लो माला उठाई और बोला चैंट सिक्सटीन राउंड हरे कृष्ण महामंत्र तो ऐसे उसको बोला जैसे कोई डॉक्टर दवाई देता है ना कि किसी को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर उसको बोलता है कि आपको है ना ये टैबलेट लेनी है सुबह को शाम को और दोपहर को तो शिला प्रभुपाल जी ने क्या किया उनको माला दी और बोला चैंट सिक्सटी राउंड कि आप ये खाओ ये टैबलेट खा लो आपकी सारी ये औषध ऐसी है कि आपकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी तो जब भी ये प्रोग्राम हो गया तो फिर दोबारा मतलब फिर बाद में जब दूसरा बड़ा प्रोग्राम हो रहा था तो उसको मौका मिला क्योंकि अभी-अभी कल ही दीक्षा ली थी और आज प्रोग्राम था तो फिर उसकी इच्छा थी कि मैं शला प्रभुपा जी को शला प्रभुपा जी लेक्चर कर रहे थे दीक्षा के बाद जो लेक्चर हो रहा था वो कर रहे थे तो उसको मौका मिला कि वो शला प्रभुपा जी को चंवर करे एकदम तो आके से आके अभी उस समय क्या है राधाष्टमी का प्रोग्राम था तो उस समय सर्दी थोड़ी बहुत सर्दी लग रही थी अभी वृंदावन में उधर वहां पर बहुत सर्दी थी तो वो क्या कर रहे थे जब वो चावर चवर कर रहे थे तो शिला रघुपा जी को ठंडी लग रही थी सर्दी लग रही थी और जैसे ही उसने देखा शिला रघुपा जी को सर्दी लग रही है तो फिर उसने बहुत ही सिलो कर दिया पहले तो वो इतना जोर जोर से शवर डालता अभी जाहिर सी बात है नए नए भक्त होते हैं हम हम भी देखते हैं चमर जुलाते तो ऐसा लगता है जैसे टीपू सुल्तान तलवार चला रहा है शिला रघुपाल जी को सर्दी लग रही थी शिला जी जैसे पकड़े बैठे हुए तो उन्होंने देखा प्रभु स्वामी शिल प्रूपा जी को सर्दी लग रही है तो शवर को सिलो सिलो कर थे शमर रखना नहीं चाहते थे क्योंकि अभी दीक्षशाली है और शिलूपा जी के निकट उनको रहना है तो जैसे ही वो चवर सिलो कर रहे थे तो मक्खी बैठ रही थी बार कभी इधर बैठ रही, रही अभी वो परेशान था तेज कर रहा हूं तो शिल जी को ठंडी लगेगी सिलो कर रहा हूँ तो फिर शिल जी के ऊपर मक्खी बैठ रही कभी यहाँ मक्खी शिलभ रघुपाल जी गा रहे जय राधा माधव गा लिया प्रणाम कर लिया उसके बाद कथा शुरू कर दी और कथा शुरू करती क्योंकि शिला उसको देख रहे थे मक्खी बैठ रही तो शिला प्रभुपा जी ने अभी सुबह को दीक्षा लिया था और उस उस ताम, उस टाइम टाइम पर उसको अभी भी भय लग रहा था कि सुबह शिला जी ने दीक्षा के टाइम पर मुझे झाड़ा कि भाई तुम ब्रश क्यों नहीं करते हो तो फिर अभी कुछ बोल ना दे उसी उस शिला प्रभुपा जी को याद था कि उसने सुबह को बोला था स्वामी जी इन्फेक्शन तो अभिषेक प्रभुपा जी ने वहीं से स्टार्ट किया और क्या बोले बोले प्रभुपा जी बोले दिस मैटर ये लाइफ इज 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 लाइक एन इन्फेक्शन ये जो भौतिक जगत है उसकी जो जिंदगी है वो एक इन्फेक्शन की तरह है जब आपको इन्फेक्शन होता है तो शिला प्रभुपा जी क्या करते हैं अपनी आस्तीन को इसे ऊपर करके फिर बोलते हैं यू स्क्रेच जब आप उसको स्क्रेच करते हो खुजाते हो यू फील सेटिस्फेक्शन, आपको अच्छा लगता है यू फील नाइस यू फील गुड लेकिन फिर वापस वापस से, से आपको लगता है फिर वापिस यू स्क्रेच मोर एंड यू फील नाइस आप उसको और भी स्क्रेच करते हो और भी आपको नाइस लगता है यू स्क्रेच मोर यू फील नाइस यू स्क्रेच मोर एंड यू स्टॉप आप और स्क्रेच करते हो और आप है ना खारिश करते हो और आप बाद में क्या करते हो ये आप स्टंप हो जाते हो इसके लिए नहीं कि आप अब आनंदित हो गए हो इसलिए कि ब्लड कम्स अब आप, आप जो है वो दुख बढ़ता है जितना जितना आप भौतिक वस्तुओं का उपयोग करते हो जितना जितना आप भौतिक वस्तुओं के द्वारा स्वयं को आनंदित करने का प्रयास करते हो उतना उतना दुख का कारण बनता है तो इसलिए हमको भौतिक वस्तुओं से आगे निकलकर आध्यात्मिक जीवन की तरफ आना चाहिए मतलब ये शिला प्रभुपा जी पहले सुबह को सुने थे इन्फेक्शन की बात और अभी वो बता रहे हैं कि किस तरह से ये जो भौतिक जगत है वो एक इन्फेक्शन है उसमें जो भी आनंद है वो एक इन्फेक्शन की तरह। जितना जितना प्राप्त करने की कोशिश करेंगे उतना उतना जो है आपको दुख ही मिलेगा तो यहाँ पर बता रहे हैं श्री प्रभुपा जी कि जो कुछ भी हम बोल रहे हैं अगर उसमें कृष्ण नहीं है तो वो वाणी का वेग है तो वाणी का वेग को जैसे भगवत गीता में बताया गया है कि सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो हमें अपने वाणी को कंट्रोल करना है कैसे कंट्रोल करना है किस तरह से बोलना है तो ये भी बताया भगवत गीता के अठारवे अध्याय में कि वाणी जो है उससे क्या बोलना है सच्चे शब्द दूसरों को नाम भड़काने वाले और दूसरों के प्रिय और हित हितैषी शब्द बोलने हैं ऐसे अगर पहला बोला है सत्य सत्य के सत्य को अगर बोला जाए तो सत्य तो हमेशा कड़वा भी होता है अगर देखा जाए लेकिन सत्य का भी मतलब अलग से अगर आचार्य गण को देखा जाए तो उन्होंने क्या बताया है जैसे श्रीमद् भागवतम का प्रथम श्लोक उसमें क्या लिखा हुआ है भगवान को प्रणाम करके भगवान का नाम सत्य बताया गया है अर्थात सत्य वही है जो भगवान से जुड़ा हुआ हो यदि वो भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है तो सत्य होकर भी असत्य है क्योंकि कृष्ण के अतिरिक्त तो और कोई सत्य है, तो है, है। यहाँ पर जैसे बताया जा रहा है कि वो तो मेंढक की टर्राहट है लेकिन वाणी के संयम का अर्थ अपने पर थोपी गई चुप्पी यानी मौन की बाह्य क्रिया नहीं है कि बस चुप करके बैठ जाए अगर भगवान के विषय में नहीं बोल सकते तो चुप करना बेटर है लेकिन ये चुप करना कोई ए, ये कोई ऐसा नहीं है कि बस ये हो गया चुप करके बैठ गए तो बोलना पड़ेगा जै, जैसा कि मायावादी दार्शनिक सोचते हैं कि बस चुप करना चाहिए ऐसा मौन कुछ समय तक सहायक प्रतीत हो सकता है लेकिन अंततः वह विफल हो जाता है शिला रूप गोस्वामी जिस संयमित वाणी की बात करते हैं उसका अर्थ है कृष्ण कथा की साकारात्मक विधि का समर्थन है अर्थात बोलने की परिक्रिया को परम भगवान श्री कृष्ण के गुणगान में लगाना इस प्रकार जीव भगवान के नाम रूप गुण तथा लीलाओं की महिमा का गुणगान करती है कृष्ण कथा का उपदेशक सदैव मृत्यु के चुंगल से दूर रहता है वाणी के वेग को संयमित करने की यही सहता है तो यहां पर वाणी के वेग को संयमित करने का एक सुंदर उपाय बताया जा रहा है कि आपको क्या करना है कृष्ण के विषय में बोलना है अगर कृष्ण का नाम बोला जा रहा है कृष्ण की कथा बोल रही जा रही है श्रीमद भगवद गीता भागवतम तो आप घंटों बोल सकते हो जितनी भी देर आप आपके अंदर शक्ति है आप बोलते रहो लेकिन उससे क्या होगा हृदय पवित्र होगा जैसे पहले बोला गया ना कि यदि आपका हृदय ही पवित्र नहीं है तो पश्चात क्या लाभ है लेकिन यदि कृष्ण कथा बोली जा रही है कृष्ण का नाम बोला जा रहा है तो वाणी का वेग स्वतः समाप्त हो जाएगा ये जो वेग है उसको रोकने का तरीका है ये कि हमको कृष्ण के विषय में बोलना है और फिर आगे क्या है और बोलने का मतलब खाली ये नहीं कि हम बोले जो हम पढ़ रहे हैं जैसे अगर बहुत सारे लोग होते हैं जो पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं वो डाइजेस्ट पढ़ते हैं लव स्टोरीज पढ़ते हैं कुछ ऐसा पढ़ते हैं तो वो भी तो बोल रहे हैं ना साथ में पढ़ के तो यहाँ पर जैसा जैसा हम बोलेंगे वैसा वैसा हमारे विचार होते जा रहे हैं तो हमको कृष्ण के विषय में बोलना है तो विचार होंगे कृष्ण तो मनोवेग का अब यहाँ पर नेक्स्ट है मनोवेग या मन की अधीरता तभी वश में होती है जब कोई अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर कर देता है चैतन्य चरिता अमृत में कहा गया है कृष्ण है सूर्य सम माया है अंधकार या हर कृष्ण ताहार हार ना ही अधिकार के मन के वेग को कैसे वश में कर सकते हैं जब मन जो है वो कृष्ण के चरण कमल में स्थिर हो जाता है तभी हम मन मन कितना उचक मतलब उचक शल है ऐसा अर्जुन भी बोलते भगवान भगवान को कि मन को कंट्रोल करना बहुत कठिन है लेकिन वो माया जो मन को वश करती है वो तो अंधकार है और कृष्ण के चरण सूर्य के समान है जहाँ सूर्य होगा वहां अंधकार कैसे हो सकता है कृष्ण सूर्य के समान है माया अंधकार के तुल्य है यदि सूर्य उपस्थित हो तो अंधकार का प्रश्न नहीं इसी प्रकार यदि कृष्ण मन में उपस्थित हो तो माया के प्रभाव से मन के विचलित होने की कोई संभावना नहीं है तो जैसे-जैसे हमारा मन में कृष्ण का नाम कृष्ण का प्रेम कृष्ण के जो लीलाएं हैं वो सुफूर्त होती हैं कृष्ण से संबंधित हो जाते हैं तो मन जो है वो शांत होने लगता है मन के विचलित होने की कोई संभावना नहीं समस्त भौतिक विचारों के निषेध की योग विधि से कोई लाभ नहीं मन में शून्य की सृष्टि करने का प्रयास करना कृत्रिम वृद्धि है मुझे ये नहीं सोचना मुझे ये नहीं सोचना मुझे उसके विषय में नहीं सोचना नहीं नहीं, नहीं करोगे ना तो वो और भी ज्यादा अधिक सोच में आएंगे नहीं मत करो ये सोचना है क्या सोचना है मुझे जब हम उसको पॉजिटिव देंगे ना अब हम कृष्ण के लिए सोचना शुरू कर रहे हैं कि भाई अब भगवत गीता जयंती आने वाली है उसमें हम क्या प्रोग्राम करेंगे किस तरह से लोगों को भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करेंगे करेंगे किस तरह से हम प्रोग्राम आयोजन करेंगे, भगवत गीता पूरी पढ़ेंगे भगवान के शब्दों को श्रवन करें तो क्या पॉजिटिव सोच जब आएगी तो नेगेटिव खुद ब खुद चली जाएगी लेकिन अगर हम सोचेंगे नहीं ये नहीं करना ये नहीं करना उसको कुछ पॉजिटिव देंगे नहीं तो फिर तो लाभ ही नहीं होगा क्योंकि वो फिर से आ जाएगी सुन यह शून्य टिक नहीं सकता किंतु यदि कोई सदैव कृष्ण का तथा उनकी श्रेष्ठतम सेवा करने का चिंतन करता है तो उसका मन सहज ही वश में हो जाएगा तो मन को वश में करना क्या है कि उसको पॉजिटिव दो भगवान का नाम दो भगवान के शब्द दो भगवान की लीलाएं जैसे जैसे मन के अंदर ये पॉजिटिविटी जाएगी तो नेगेटिविटी निकलती जाएगी इसी प्रकार अभी ये वाणी का वेग कैसे मन कंट्रोल हुआ कि हम कृष्ण के विषय में बोले कृष्ण का नाम गोण लीला है मन का वेग कैसे कि मन को भगवान के चरणों में स्थिर करना है उसके विषय में भगवान के लिए सोचना है कुछ जो भी हम शवन कर रहे हैं वो मतलब भगवान के विषय में सोच रहे हैं कुछ श्लोक याद कर लिए भगवान ने गीता में ये बोला है कोई प्रोग्राम भगवान के लिए कोई सेवा किस तरह से वो करना तो मन के वेग को अभी है क्रोध का वेग तो इसी प्रकार क्रोध क्रोध के वेग को वश में किया जा सकता है हम क्रोध करना पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते के लेकिन यदि हम इन्हीं पर क्रोध करें जो भगवान या भगवत भक्तों की निंदा करते हैं तो हम कृष्ण भावना में अपना क्रोध वश में कर सकते हैं जैसे हनुमान जी ने किया था है ना भगवान के जो रावण है रावण की पूरी लंका को जला दिया था क्रोध को कंट्रोल करने का मतलब होता है कि साधारणतया जो लोग होते हैं पागलों की तरह क्रोध करते रहते हैं ये भी नहीं सोचते कि उसका क्या परिणाम निकलेगा वो क्रोध नहीं बल्कि हर कार्य को यदि भगवान सेंटर में रखे केंद्र बिंदु यदि कृष्ण है तो वो जो है वो आपकी क्रिया जो है वो भक्ति बन जाती है भगवान चैतन्य महाप्रभु जगाई तथा मदाई नामिक दो दुष्ट भाइयों पर क्रोधित हुए जब उन्होंने नित्यानंदा प्रभु के सर पे मारा तो चैतन्य महाप्रभु बहुत क्रोधित हो गए जिन्होंने नित्यानंद प्रभु की निंदा और प्रभु की निंदा की थी और उन्हें मारा था अपने शिक्षा क्रम में चैतन्य महाप्रभु ने लिखा है तृणादपी सुनी तरोरपि तरोना मनुष्य को तृण से भी अधिक अधिक विनम्र होना चाहिए और वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए तब कोई पूछ सकता है कि महाप्रभु ने फिर क्रोध क्यों किया बात यह है कि मनुष्य को स्वयं का सभी तरह से सभी तरह का अपमान सहने के लिए तैयार रहना चाहिए लेकिन जब कोई कृष्ण या उनके भक्त की निंदा करता है तो असली भक्त क्रोधित होता है और अपराधों पर अग्नि की तरह बरसता है तो इस तरह से जो भगवान के लिए या भगवान के भक्तों के लिए अगर कोई कहता है तो फिर उसे बर्दाश्त नहीं होता है तो असली भक्त क्रोधित हो जाता है क्रोध को रोका नहीं जा सकता लेकिन उसे सही ढंग से काम में लाया जा सकता है हनुमान ने क्रोध वश पूरी लंका को आग लगा दी थी फिर भी वे भगवान श्री रामचंद्र के सबसे बड़े भक्त के रूप में पूजे जा सकते हैं इसका अर्थ यह है कि उन्होंने अपने क्रोध का सही उपयोग किया अर्जुन इसके दूसरे उदाहरण है वे युद्ध नहीं चाहते थे लेकिन कृष्ण ने उनके क्रोध को यह कहकर उकसाया कि तुम्हें युद्ध करना होगा बिना क्रोध किए युद्ध तो संभव नहीं है किंतु जब क्रोध का उपयोग भगवान की सेवा में किया जाता है तो वह वश में किया जा सकता है मतलब अपने लिए यदि हम क्रोध कर रहे हैं एक सैनिक था तो ए, ए, जो वो सेना के लिए युद्ध कर रहा था अपने देश के लिए लेकिन दूसरी सेना का जो जो सैनिक था वो दोनों युद्ध कर रहे थे दोनों बहुत ही अच्छे से युद्ध कर रहे थे और एक जो एक देश का जो सैनिक था उसने उसको परास्त कर दिया उसके ऊपर मतलब वो गिर गया उसके ऊपर गिर वैसे पकड़ के उसको मारने वाले था तो जो नीचे वाला था उसने उसके मुंह पे थूक दिया और मुंह पे थूक गया उसको क्रोध आया लेकिन उसने तलवार छोड़ दी तो बोला अब तुम मुझे मार सकते थे तलवार क्यों छोड़ी तो बोला तलवार इसलिए छोड़ी कि पहले मैं क्या कर रहा था अपने देश के लिए युद्ध कर रहा था लेकिन जब तुमने मेरे ऊपर ये थूक मारी है तो इसका मतलब अब मुझे गुस्सा आ रहा है तुमको अपने कारण अब अगर मैं तुम्हें मारता हूं तो इसका मतलब है मैं अपना बदला ले रहा हूं तो ये मेरे लिए अपराध होगा अगर मैं अपने देश के लिए कार्य कर रहा हूँ तो अपराध नहीं होगा मुझे क्योंकि वो तो मेरा मुझे थोड़ा इसका मिलेगा लेकिन मेरा मन अभी ऐसा लग रहा है तुमको मैं मारूं क्योंकि तुमने मेरे मुझे ऐसा मेरे ऊपर अपराध किया तो अपने अपने अपराध को यदि हमारे साथ कोई गलत करता है उसके लिए यदि क्रोध होता है तो फिर वो जो है वो हमारे लिए अपराध है उसको रोकना है। लेकिन यदि भक्तों के लिए और भगवान के लिए कोई बुरा बोलता है तो हमको सहन नहीं करना चाहिए उसके लिए क्या कर सकते हैं या तो सामने वाले को चुप करा दे कि देखो आप भक्तों के लिए मत बोलिए क्योंकि यदि हम भक्तों के लिए निंदा सुनते हैं तो क्या होता है तो फिर हमारी भक्ति नाश हो जाती है तो पहले तो उनको रिक्वेस्ट करना चाहिए कि आप मत बोलिए इससे अपराध है वो नहीं सुनते हैं तो फिर हमको वहां से चले जाना चाहिए और ऐसा अगर जा नहीं सकते तो मर जाना चाहिए अपना आत्महत्या कर देनी चाहिए लेकिन कभी भी भगवान और भक्तों के विषय में अपराध को नहीं सुनना चाहिए तो यहाँ तक हम रखते हैं तीन वेग को हमने पढ़ा वाणी का वेग मन का वेग और क्रोध का वेग इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं केवल कृष्ण का चिंतन